अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हो गई तैयार शादी में जाने के लिए। जैसे आपको मैंने पहले ब्लॉग में बताया था, मैं शादी में जाने वाली हूँ, तो बस ये मैंने अपना नकाब पहन लिया, गोल्डन दुपट्टा लगा लिया, बस हो गई तैयार। अम्मी का फ़ोन आया था, अम्मी बुला रही हैं, बोली जल्दी चलते, और ये बाहर जाके रेड स्वेटर स्वेटर बोल रही हूँ चादर में ओढ़ लूँगी, और अंदर भी मैंने स्वेटर पहन लिया फ्रेंड, क्योंकि ठंडी भी बहुत ज़्यादा है मेरे, तो इसके लिए पहले अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। तो बस बाकी चलते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको अम्मी ने क्या पहना है, क्या हो रहा है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। ताला कहाँ है? को पिंकी अम्मी का पिंकी आज पिंकी बनी है, स्त्री नहीं गई कपड़ों पे करी है, ऐसा लगा स्त्री नहीं करी होगा, करी है। चलो काली पहन ली, चलो मैंने बुर्का पहन लिया। हाँ हाँ, अरे दिखा सूट तो दिखा दे रहा अपना, काला नया सूट पहना मैंने, नहीं फिर गोल्डन अच्छा लगा, गोल्डन डाल दिया सही है। चलो बस रिक्शा मिल जाए फ्रेंड जल्दी से, तो पहुंच जाए रोड पे आ गए, और ज़्यादा ठंड लग रही है। अम्मी को देखो पूरा डकैत बन गई है, बाकी में ठंड है और ज़्यादा रोड पे और ज़्यादा लग रही है। इतना जोर से क्यों बोल रही हूँ मैं, रिक्शा रिक्शा वाले रात में ज़्यादा पैसा मांगते हैं फ्रेंड। हमें रिक्शा मिल गया, बैठ गए रिक्शे के अंदर, अम्मी ये रही है, ये रही बच्चा, और ठंड लग रही है अम्मी। बस फ्रेंड हम लोग पहुंचने ही वाले थे, इस कड़ाके की ठंड में यकीन मानना हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि रिक्शा पूरा खुला हुआ था। रास्ते में ये खाने की बहुत सारी ठेले लगी हुई थी, यहाँ पे ना बहुत तरह का खाना मिलता है फ्रेंड रात में, और आगरे की पब्लिक भी बहुत आती है यहाँ पर। तो बस शादी के हॉल में हम लोग बात करते करते पहुँच गए, ये देखो स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ये रहा शादी का मेन दरवाज़ा, यहाँ से हम लोग एंटर होने वाले हैं। बस उतर भी गए थे, लेकिन बस सबके ज़बान पर एक ही बात थी, भैया ठंड बहुत है, भैया ठंड बहुत है। किसके बावजूद भी पब्लिक टूट पड़ी थी फ्रेंड, बहुत सारी पब्लिक थी, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, जिसको दावत में आना होता है वो आ ही जाते हैं। रही है, अरे बाप रे, अच्छी मैंने सूट पहन के आई हूँ, मैंने सूट पहन लिया, मेरे को पता था पूरा गार्डन में ओस होगी ना, तो चप्पलें अंदर धस जाती हैं, अंदर बढ़ते अंदर अंदर ओस गिर रही है। अरे बाप रे, अंदर आ जाओ अम्मी, हम लोग अंदर बढ़ जाते हैं, थोड़े तो ओस से बचेंगे, आ जाओ। और सबकी इस टाइम ना सर्दियों में फेवरेट जगह यही होगी बैठने के लिए, तो यहाँ पे ओस नहीं आएगी। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया बैठता हूँ, बढ़िया हाँ, बच्चे का बाल बैठ रहा है, बच्चे को लगे कुछ ना कुछ खाने नहीं आएंगे। ओस गिर रही है अम्मी, पूरे गार्डन में अभी से धुंधला धुंधला सा हो रहा है, इतनी सर्दियों को चीर तूर पार करके अपन दावत खाने आई गई फ्रेंड। चलो तो आपको मैं शादी का हॉल दिखा देती हूँ, पब्लिक ज़्यादा नहीं आई थी, सिर्फ मैं अम्मी थी और थोड़े से कुछ और लोग थे जो आए हुए थे हमसे पहले। तो ये रहा शादी का हॉल, पब्लिक आने से पहले कुछ इस तरह दिखता है, पब्लिक आने के बाद तो पूछो मत, ही नक्शा ही बदल जाता है शादी के हॉल का। यहाँ दूल्हा दुल्हन बैठेंगे, इतना खूबसूरत सजा हुआ था ना फ्रेंड, बहुत अच्छा सजा हुआ था, और प्लस भीड़ नहीं थी ना, पब्लिक आई नहीं थी, तो और ज़्यादा साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा था। यहाँ थोड़ा सा टेंट था जो ना ढका हुआ था, तो मैंने अम्मी को यहीं बिठा, हम लोग तो आके बैठ गए काफ़ी देर पहले, और खाना स्टार्ट होने में अभी टाइम है, तो बस मैं देख रही हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है। चलो इधर बन रही है गरम गरम रोटी तंदूर की, सच्ची बता रही हूँ ना भूख बहुत तेज़ लग रही है, यहाँ देखो रोटी बन रही है, ये सब लगे पड़ोगे रोटी बनाने में। और ये है हमारी बहन बम्बैया, बम्बई वाली साइना, अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे भाई हैं, तो बस वो सब दिखा दी कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा कर रहे हो। भाभी का भाभी अभी आ रहे हैं, सब बच्चे अभी आ रहे हैं, ये मेरे भाई हैं मामू की लड़के। और यहाँ पे ना चिकन फ्राई हो रहा है, ये देखो, और इन सबको देख के और भूख लग रही है, और यहाँ पे सीख कबाब तैयार हो रहा है, और ये हलवा ना ये भी मेरा भाई है, आसिफ नाम है इसका, जो भाई मिले थे ना अभी, उनका छोटा भाई है, कोई नहीं है यहाँ सीख कबाब, मुंबई की याद आ गई सीखो आप देख के। और यहाँ पे सलाद रखा हुआ है, बस जल्दी से खाना खुल जाए, मैं प्लेट उठा लूँ जल्दी से, मैंने सोचा भीड़ कम है। हाँ हाँ रज़ाक मामू, जिनकी बेटे की शादी है उनको मिला। हाँ वालेकुम, अब मैं ठंडे तो क्या होगा, चलते हाँ चलो। अभी अभी खबर आई है कि ना ये ना ये चाउमीन डोसा भल्ला वगैरह खुल गया है, तो हाँ तो मामू कह रहे हैं, तो चलो पहले ये खाइए और फिर खाना खा लेना,
और यहाँ पे दुल्हन बैठेगी। ये तो कितना अच्छा स्टेज उन्होंने सजाया है, सामने स्क्रीन, वहाँ पे शादी की जो भी अभी फंक्शन हुआ होगा ना, हल्दी का, मेहंदी का, बारात का, वो लगा रखा है। और यहाँ पर फोटो खिंचवा सकते हो आप, अच्छा वो करा उन्होंने। और देखो दिखाती हूँ आपको, जो खुल के खा लेते हैं। खाओ खाओ खाओ, ये हमारे मामू है। अच्छा टेस्ट कर रहे हो, सही बात है, टेस्ट करना जरूरी है। कैसा है तो चेक करो, लो भाई चेक करो, चलो तू चेक कर, मेरा जरूरी है, लेडीजों को लेडी ले पकड़। आए तुम चेक करो, चेक करो, चेक करो, खट्टा वट्टा बता दे, सही है, दोना देना सब सही है, सही है ना, खट्टा वट्टा सब 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 फर्स्ट क्लास है, दोना देना दोना। चलो पानी टेस्ट कर लिया है, और क्या क्या, हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ, चलो मुझे भी दे दो भैया, लो इसमें दे दो, यही चटनी है। ये पाव भाजी देख के तो साथ बहुत खुश हो गया, साथ तेरी फेवरेट पाव भाजी। और इसमें क्या है, इसमें नूडल्स है, इधर क्या है, इधर हॉट कॉफी। पूरी फैमिली भी फ्रेंड आ चुकी है, ऐसे धुएं उड़ रहे हैं। और हाँ चटर मटर खा लिया है सब, बल्ले पकौड़ी वगैरह माशाल्लाह सब चीज़ अच्छी थी। अब जा रहे हैं मेन कोर्स की तरफ, मतलब खाने की तरफ, बस खाना खुल जाए, खाना खा कर फिर घर चले जाए, क्योंकि ठंड ना बढ़ती जा रही है। आ जाओ, ऐसे धुएं धुएं उड़ रहे हैं फ्रेंड, बहुत ठंड है। देखो कैसे मेरा कैमरा भी ना ऐसा हो रहा है। अम्मी लाइए चिकन का सालन, चिकन नहीं है इसके अंदर, सीरमाल रोटी, मैं लाई हूँ हलीम, और साहिबा की प्लेट ये रही, और साहिबा ये रही। खाना तो खा लिया था फ्रेंड, लेकिन सोचा चलो चलते चलते थोड़ा सा चिकन फ्राई तो खा ही लें। चिकन फ्राई खाने के लिए गए फ्रेंड, तो अभी वो फ्राई हो रहा था, थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, तो मैं अपनी खाली प्लेट लेके चली गई दूसरी तरफ, ताकि मैं सोचा कुछ और खा लेती हूँ। वहाँ से फिर मैंने लिया फ्रेंड, क्या लिया था याद भी नहीं आ रहा है, कितना सारा खाना खाया था ना इसलिए याद नहीं आ रहा है। मैंने नहारी ली थी, नहारी और गरम गरम रोटी ली थी। लाइटिंग की वजह से मेरा कैमरा फ्रेंड कुछ इस तरह से काम कर रहा है, तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी बोलती हूँ मैं। बहुत सारी लाइटिंग थी ना, तो मेरा कैमरा इस तरह से हो रहा था, उसके लिए मैं से माफी मांगती हूँ कि ये मेरी गलती। चलो आ जाओ, नहीं भाई ठंडे पानी नहीं, नहीं नहीं बाबा पानी नहीं। फ्रेंड हमारे संग एक अजीब सी अच्छी हो गई, हमें ये मिल गई हमारे जान पहचान के, तो ये भी दरिया आ रहे थे, हम इनकी गाड़ी में बैठ के आ गए। आ जाओ, और गाड़ी अंदर गर्म एसी चल रहा था, तो ठंडी भी पता नहीं चल रही थी, ऐसा गर्म सॉरी हाँ हीटर, तो उससे ठंडी का ना पता नहीं चल रहा था। अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड, सांस खुल रही है कि गाड़ी मिल गई। हाँ गाड़ी के तक गर्म हीटर चल रहा था ना, वरना ऑटो वाले फ्रेंड डबल डबल पैसा मांग रहे थे। हाँ नहीं फिर ऑटो वाले रात में ज़्यादा पैसा मांगते ना, ये मिल गए अच्छा अपन इनकी कार के अंदर बैठ के आ गए। चलो चेंज वेंज कर लेते हैं फ्रेंड, चेंज क्या करना है, सिर्फ बुरखा बुरखा उतारना अंदर, तो वही अपने पुराने कपड़े सबूत भी है। सात कंबल दे मुझे, पहली बार फ्रेंड ये 2024 की पहली शादी है जो हमने अटेंड करी है ना साथ। अरे हाँ वो शादी मतलब बड़ी अलग होता है, शादी अलग होती है, गए तो शादी में थे साथ में, मेरी बात है वो बहुत काटता है बहुत टोकता है, तो यहाँ चलो ये मतलब पहले शादी थी, चाहे हम बली में अटेंड करा हमने, चाहे हमने बारात अटेंड करी, ये 2024 की पहली शादी थी। और दूसरा क्या, पहली बार फ्रेंड ऐसा हुआ है मैं स्वेटर और लेगीज मोजे और ये टोपा शॉल सब ओढ़ के मैंने किसी कोई शादी अटेंड करी है। और भैया फैशन अपनी जगह पर है फैन फ्रेंड, लेकिन इतनी ठंड के अंदर क्या फैशन करेगा, काम करेगा आपका, इससे अच्छा तो भैया मैं तो ओढ़ लपट के गई, सच्ची बता रही हूँ। आराम से सुकून से अच्छे से खाना खाया मैंने, कोई इतनी ठंड वंड भी नहीं लगी थी, मतलब हरे अल्लाह ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मतलब अगर वैसे कपड़े पहन के जाते और स्वेटर वगैरह नहीं पहनते तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ठंड लगती, अभी उसके मुकाबले कम ठंड लगी है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठंड थी बहुत ठंड थी, लेकिन चलो स्वेटर वगैरह पहन के गए थे तो अच्छे से खाना खा लिया, और हम लोग को आते में कार भी मिल गई, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है। चलो अल्लाह ना अल्लाह के करम से आराम से आ गए, वरना रिक्शे ऑटो के अंदर सुकड़ते हुए आते हैं ना सर। और बाकी मेरी फैमिली जो भाभी वगैरह वो तो सब वहीं पर, ये भी सब खा रहे हैं खाना, हम लोग आ गए ठीक है ना सर। चलो फ्रेंड मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ में। बस ये छोटा सा ब्लॉग है शादी का जो आपके संग शेयर कर रही हूँ, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।